स्वर्ग से अगर इंदिरा गांधी वापस भी आ जाएं तो भी धारा 370 वापस नहीं आ सकता, ये कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। दरअसल इन दिनों चुनावी प्रक्रिया जोरों शोरों से चल रही है और रैलियों पर रैलीज हो रही है। महाराष्ट्र में एक रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर वार किया है। उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिससे यकीनी तौर पर कांग्रेस को परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एक रैली में भाषण देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए नौकरी और पढ़ाई में, लेकिन कांग्रेस चाहे जितना मर्जी जोर लगा रहे ऐसा संभव नहीं हो सकता, क्योंकि कांग्रेस ये चाहती है कि एससी एसटी और ओबीसी की जो कैटेगरी का कोटा बना हुआ है उसमें से कटौती कर मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए पढ़ाई में और नौकरी में, ये कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर कांग्रेस की चार पीढ़ियां भी आकर खड़ी हो जाए तो भी ये मुमकिन नहीं हो सकता है। एससी एसटी ओबीसी दलित पिछड़े वर्गों का जो आरक्षण है उसमें से किसी भी प्रकार की कटौती नहीं हो सकती है और मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर वार करते हुए कहा कि धारा 370 पर अभी तक कांग्रेस चुप है, मौन है। अगर कांग्रेस की अगर इंदिरा गांधी स्वर्ग से भी वापस आएंगी तो भी धारा 370 जम्मू कश्मीर को वापस नहीं मिल सकता है। हम सब जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया था, जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर तमाम अपोजिशन के राजनीतिक दल जो है वो एक ही स्वर गा रहे थे कि जल्द से जल्द धारा 370 35 और पूर्ण राज का दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस दिया जाए। और गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा था कि जम्मू कश्मीर के हालात जब सामान्य होंगे उस समय हम जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज का दर्जा वापस दे देंगे, लेकिन धारा 370 और 35 जो है इस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जमकर भाषण दिया और उन्होंने कहा कि इसे हमने अब कब्र में दफन कर दिया है और अब ये धारा 370 35 कभी भी वापस नहीं आ सकता है। हालांकि धारा 370 पर जो है वो जम्मू कश्मीर की विधानसभा में एक रेजोल्यूशन लाया गया और उस रेजोल्यूशन को जो है वो पारित भी किया गया, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या केंद्र सरकार जो है इस मूड में है कि जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से स्पेशल स्टेटस मिले, जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से धारा 370 और 35 से जो है वो वापस दिया जाए, ये एक सवालिया निशान है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने जो कांग्रेस पर वार किया है, यकीन जानिए कांग्रेस जो है इस बयान से तिलमिलाई जरूर है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखेगा। आप लोग देखते हैं स्ट्रेट टॉक्स, मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए जल्द। धन्यवाद।